भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है, जिस दौरान लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14 अगस्त 1947 को भारत दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच परस्पर सहमति से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच आवागमन के लिए उपयोग किया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों ने भारत की ओर पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान कई स्थानों पर दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतीयों को विनम्र श्रद्धांजलि।